तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार आई, बल्लेबाजों ने ना कटाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में, और बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले की। पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीता था और उस मुकाबले में अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी कराई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने वो मुकाबला आसानी से जीत लिया था। लेकिन बात करें दूसरे वनडे मुकाबले की, तो टीम इंडिया का इस मुकाबले में फ्लॉप देखने को मिला है और बल्लेबाजों ने यहां पर दोस्तों ना कटा दिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और भारतीय टीम को पहले बैटिंग करने का मौका दिया था, और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 211 रन ही बना पाई और पूरी की पूरी टीम जो है वो 43वें ओवर में ही आउट हो गई, यानी कि पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी भारतीय टीम इस मुकाबले में, और 43वें ओवर में ही आउट हो गई और सिर्फ 211 रन बनाए थे और 212 रन का जो टारगेट था वो साउथ अफ्रीका को दिया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर टीम इंडिया के फ्लॉप शो की, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बात करें यहां पर अगर टीम इंडिया की बैटिंग कार्ड की, तो ऋतु आपके शाइन सुदर्शन और केएल राहुल को छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाज दोस्तों नहीं चला और टीम इंडिया का यहां पर फ्लॉप शो देखने को मिला है। अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप थे और इस मुकाबले में भी फ्लॉप है, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों बात करें तिलक वर्मा की, तो पिछले मुकाबले में कुछ खास किया नहीं था और इस मुकाबले में भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि नंबर 3 पर इनको बैटिंग करने का मौका मिला था। इसके बाद दोस्तों बात करें संजू सैमसंग की, जिनके फैंस जो हैं दोस्तों लगातार मतलब ट्रेंड चलाते हैं कि संजू सैमसंग को खिलाओ, और जब उनको खिलाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है आप देख लीजिए। पिछले मुकाबले में उनकी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन इस मुकाबले में उनकी बैटिंग आई और उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 12 रन बनाए और आउट होकर चले गए। इसके बाद दोस्तों बात करें रिंकू सिंह की, रिंकू सिंह का कल डेब्यू हुआ था ओडीआई में और उन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए और उन्होंने भी थोड़ा सा निराश किया, क्योंकि वहां टीम इंडिया को जरूरत थी एक लंबी पारी की, लेकिन वहां पर जो है लंबी पारी नहीं खेल पाई रिंकू सिंह। इसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने जो है 7 रन बनाए। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ अर्शदीप सिंह ने जरूर 18 रन जोड़े, लेकिन इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ शाइन सुदर्शन और केएल राहुल के बल्ले से जो है रन के लिए। बात करें शाइन सुदर्शन की, तो पिछले मुकाबले में 55 रन की पारी नॉट आउट खेली थी और इस मुकाबले में 62 रन बनाए, उन्होंने 83 गेंदें ली, 7 चौके और एक छक्का भी लगाया। इसके अलावा बात करें अगर केएल राहुल की, तो उनके बल्ले से 56 रन की पारी निकली, 64 गेंदें उन्होंने ली, 7 चौके लगाए और जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 211 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। और जिसके जवाब में जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने उतरी, तो साउथ अफ्रीका के रीजा हेनरिक्स ने 52 रन की पारी खेली, 81 गेंदें ली, 7 चौके लगाए। तो वहीं दोस्तों टॉनी डी जोर्डी ने 119 रन की नॉट आउट पारी खेली मात्र 122 गेंदों में और अपनी टीम को एक आसान जीत दिला दी और साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा दोस्तों राशि बंडूसन ने भी 36 रन का योगदान दिया, लेकिन यहां पर 8 विकेट से साउथ अफ्रीका ने दूसरा वनडे मुकाबला जीत लिया और इस सीरीज, ये जो सीरीज है 3 मैचों की वनडे सीरीज, अब ये 1-1 से बराबर हो गई है। अब अगर भारतीय टीम को ये सीरीज जीतनी है तो आखिरी वनडे मुकाबला जो कि 21 दिसंबर को खेला जाएगा, यानी कि कल खेला जाएगा, वो जीतना ही होगा, तभी सीरीज आप जीत पाएंगे। और अगर साउथ अफ्रीका को ये सीरीज जीतनी है तो उनको मतलब दोनों टीमों के पास करो या मरो का मतलब मौका है, या तो सीरीज जीतनी है तो आखिरी मुकाबला जीतना ही होगा। तो क्या लगता है आपको दोस्तों कि आखिरी वनडे मुकाबला जीतकर कौन सी टीम सीरीज जीतेगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।